अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुशोखुर्रम रखे, आमीन। वेलकम टू माय किचन, नाहिद किचन, यूके टू पीके। माशाल्लाह जी, आज मैं आपके लिए एक बहुत यम्मी से पराठे बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने आटा जो है ना वो गूंद लिया था, उसकी वीडियो मैं आपसे नहीं शेयर कर सकूंगी क्योंकि मैंने बहुत सुबह सुबह गूंदा था। तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि आटा मैंने लिया, नॉर्मल जो रोटी का आटा होता है, बाज़ लोग मैदा भी डालते हैं, लेकिन मैंने जस्ट आटा लिया है। उसमें ज़रूरत आप आटा लें, उसमें थोड़ा नमक डालें और ऑयल डालें, थोड़ा सा हाथों से मसलें उसे, और फिर नीम गर्म पानी से उसे गूंद के छोड़ दें। ये काफ़ी देर पड़ा रहा है, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा तेल लगा दिया ताकि जो ऊपर उसके टेंडर सा बनता है वो ना बने। तो इस तरह सॉफ्ट सा आटा मेरा रेडी है, देखें माशाल्लाह एकदम सॉफ्ट है। और उसके साथ जो चीज़ें जाएंगी, हरी प्याज है उसमें ज़रूरत, हरी मिर्चें, हरा धनिया, और ये तीन अंडे जाएंगे। बाकी कुछ ड्राई मसाले हैं वो मैं इसमें डालूंगी, और ये बनेंगे घी में। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैं इसके पेड़े बनाऊंगी। इस तरह आप इसके पेड़े बनाएं, छोटा बड़ा जितना बड़ा पराठा आपको चाहिए। पराठे जो है नॉर्मली छोटे ही अच्छे लगते हैं खाने में, हमें अच्छे लगते हैं, पकते भी बेहतरीन है। इस तरह के मैं पेड़े बना रही हूँ। इसके पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब मैं इसको इस तरह बेल लूँगी। पेड़े मैंने बनाए हैं, अब मैं इस पर लगा रही हूँ घी। कलौंजी मैंने डालनी थी, इसमें पहले ही चली गई है, कोई बात नहीं। इस तरह अब मैंने घी इसमें स्प्रेड कर दिया है। अब आटा थोड़ा सा इस पर डस्ट करें, ये देखें ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे बहुत बेहतरीन सा पराठा आपको रेडी मिलेगा। और हसबे ज़रूरत आप कलौंजी लें, देखें माशाल्लाह, ठीक है। और इस तरह हम इनको रोल करेंगे हल्के हाथों से दबा के, इस तरह इनको रोल करते जाएं। ये इस तरह मैंने इसका रोल बना लिया है, सॉरी, इसको बेल के लंबा सा कर लिया। इस तरह फिर करके इसको थोड़ा सा ना आपने शेक करना है, और इससे हम ऐसे फोल्ड करते जाएंगे। साइडों के जो किनारे हमें बाहर नज़र आएंगे, हाथों की मदद से ये उसको अंदर करेंगे। ये देखें, आप देखें ऐसे इसके किनारे जो है ना अंदर होते जाएंगे। बाहर भी रहें तो कोई नहीं है, लेकिन हमने चूंकि इसका पेड़ा बनाना है दोबारा से, तो इसको हमने ऐसे फोल्ड करना है। ये ऐसे जाएगा, इस तरह इनको ऐसे करेंगे। और अगर ये आपसे काबू नहीं हो रहा ना, तो इसको यूं करें, ये ऐसे, ठीक। अब मैं बाकी पेड़े भी रोटी ऐसे ही रेडी करती हूँ। इस तरह मैं इसको बेलूंगी। थोड़ा सा हमने इस पे घी लगाना है, बहुत ज़्यादा भी ना थपी दिया वे, मतलब मिडल ही ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना, थोड़ा होना चाहिए। आटा और ऊपर ऐ पाओ कलमंजी। कलमंजी तो वैसे तुम्हें पता वा हर बीमारी ना इलाज है, खासकर पराठे खा दी जाए तो। मैं तो डालती हूँ, पराठों में भी डाल लेती हूँ, और मेरे घर में जो सब्ज़ी बनती है उसमें तो माशाल्लाह बहुत मज़े की होती है, जब मैं उसमें डालती हूँ टेस्ट बेहतरीन आता है। ऐसे भी शफा है इसमें। इस तरह इसको आप ऐसे फोल्ड करते जाएं, और हाथों की मदद से साथ साथ इनको दबाते भी जाएं। बिस्मिल्लाह पढ़ के काम शुरू करें। अल्लाह ताला के बहुत खूबसूरत खूबसूरत नाम है,
नामों से शुरू करें। अल्लाह ताला का बड़ा करम होता है, हर चीज़ बड़ी बेहतरीन बनती है। अब मैं इसका पेड़ा बनाऊंगी, इसको थोड़ा सा ऐसे शेक करेंगे हम। ये देखिए हमारा तीसरा पेड़ा भी रेडी हो रहा है। इसको भी मैं फोल्ड कर रही हूँ, हल्का इसको साइज को छंडूंगी, शेक करूंगी ऐसे। देखिए इस तरह ना, ज़्यादा भी नहीं करना कि ये टूट जाए। इस तरह हम इसको फोल्ड करके इसका पेड़ा बना लेंगे। अब मैंने इसमें 3 अंडे डालने हैं। ये आप देखिए मेरा जार कटा हुआ रेडी है खुलने के लिए। अब मैं इसमें एक स्पून जो है ना काली मिर्चों का डालूंगी, 1 टेबल स्पून। ज़्यादा पराठे पराठों में थोड़ा सा तेल मसाला ही अच्छा लगता है। और आधी लेस देन 1/2 टीस्पून आप हल्दी इसमें डालेंगे, ऑप्शनल है। और 1 फुल टेबल स्पून हम सुरख मिर्चों का डालेंगे, क्योंकि पराठे हैं तो पराठों में थोड़ा ये तीखा अच्छा लगेगा। अब ये बाकी के मसाले हरा धनिया प्याज और हरी मिर्चें चले गए इसमें। बिस्मिल्लाह रखो। उन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं बनाने जा रही हूँ पराठे, और आप देखते जाए मैं आगे क्या क्या करूँगी। उसमें ज़रूरत नमक डालें, नमक पहले मैं डालना भूल गई थी, एकदम याद आया। ये देखें पहला पराठा हमारा बनने जा रहा है। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, तवा रखा है, और ये याद रखें कि मीडियम टू लो हीट पे ये बनेंगे। बहुत तेज़ हीट पे नहीं इनको बनना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े से ना इनको टाइम लगेगा पकने में। बिस्मिल्लाह। हम इसकी एक साइड जस्ट 1 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर बड़े आराम से जेंटली से इसे इसकी साइड हम चेंज करेंगे, और उसके बाद हम इसके बाकी जो मटेरियल मैंने बनाया है वो उसके लगाएंगे। अब देखें इसकी एक साइड हो गई है, इसको साइड इसकी चेंज करने जा रही हूँ। अब देखें ये जो मैंने मटेरियल बनाया है, अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा स्प्रेड करूँगी, यानी कि ये अंडा पराठा हमारा रेडी हो रहा है, बेहतरीन बनता है। अगर इसके ऊपर अगर आप ऑयल घी लगाना चाहें, ये घी में ही बन रहे हैं, घी लगाना है आपने। अगर आप लगाना चाहें वेल एंड गुड, कोई नहीं है। अगर ना भी लगाएं तब भी बहुत बेहतरीन बनेगा, क्योंकि जब मैंने आटा बनाया था उसमें मैंने हल्का सा ऑयल डाला था, और अभी पेड़ा बनाते हुए तो आपने देखा ही है ना कि मैंने उसमें भी घी डाला है, तो इसलिए ना भी लगे ऊपर घी तो चलेगा। जी हमारी ये साइड तकरीबन हो गई है, मैं इसको साइड चेंज करूँगी। ज़रा ये थोड़ा सा लूज है तो ये गिरेगा तो सही, बट डजंट मैटर, हमने खाना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसमें लगाना है घी, क्योंकि ये इसकी डिमांड है कि मुझे घी लगाओ। देखें हाँ मैंने इसको राज़ी कर लिया है, इसको आप लगाएं, घी लगाएं, बटर बटर तो खैर नहीं लगेगा, घी ही लगेगा इस पर जाएगा। और माशाल्लाह हमने इसको बिल्कुल लो हीट पर पकाना है। देखिए माशाल्लाह बेहतरीन हमारा अंडा पराठा रेडी। इसमें मैं हल्का सा टच करूँगी, हल्का सा, बिल्कुल आप देखें बिल्कुल हल्का सा है, ताकि इसको भी तो राज़ी करना है ना, अंडे को भी। अंडा कहेगा मुझे बगैर घी के पकाया,
जी देखिए हमारा ये पराठा, पहला पराठा रेडी है। अब मैं इसको रखने जा रही हूँ, दूसरा डालूंगी। इसी तरह मैं तीनों पराठे बना के तो आपके सामने पेश करती हूँ। अब मैं इसकी साइड कर चेंज करने जा रही हूँ दूसरे पराठे की भी। और इसमें मैं अब लगाऊंगी अंडा, जो बड़ा बेहतरीन सा यम्मी सा रेडी है। अब मैं इसको स्प्रेड करूंगी क्योंकि अब बहुत ही जा रही है पाकिस्तान में गर्मी, तो ये इस तरह की चीज़ अगर बनाए तो फटाफट उसका इस्तेमाल भी ज़रूरी है, ज़्यादा देर रखना भी नहीं चाहिए। मैंने ये देखें, मैंने घी तो लगा दिया है और हाँ लगाना भी चाहिए पराठे का, तभी मज़ा है। लेकिन अगर किसी बुज़ुर्ग को आपने देना है या किसी डाइट वाले पर्सन को तो ना ही लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और बिल्कुल थोड़ा सा ना मैं वो अंडे वाली साइड पे भी लगा रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ये मेरा दूसरा पराठा भी डन हो गया है। तीसरा पराठा भी डन हो गया है। मैं अब इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ कि कितने ये सॉफ्ट और फ्लफी से बने हैं। ये देखें माशाल्लाह, हमारे पास बेहतरीन से रेडी हो गए हैं। अब इनको देखें एकदम माशाल्लाह कड़क पराठा बने हैं। चाय के साथ लें, मज़ा आएगा। और ये चाय के साथ ही अच्छे लगेंगे क्योंकि चटनी या सालन के साथ तो बिल्कुल नहीं अच्छे लगेंगे। तो आई होप कि ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। बनाएं, दुआओं में याद रखें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।